गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल आवर सॉइल टुडे आई विल टीच यू एलुवियल सॉइल एज यू कैन सी पेज नंबर 60 सो लेट अस स्टार्ट एलुवियल सॉइल इसका मतलब क्या होता है जलोढ़ मिट्टी ठीक है जिसको हम डोर्मेंट मिट्टी भी कहते हैं जो नदी जो कि नदी अपने बहाव में लेके आती है जब नदी बहती है जैसे नदी बढ़ती है तो क्या होता है इस मिट्टी को मतलब क्या करती है किनारे किनारे पे जमा कर देती है। कभी कभी जो किसान रहते हैं तो जो मिट्टी जमा होती है उस पर क्या करते हैं किसान अपनी फसल उगाते हैं फसल बहुत अच्छी मतलब होती है ठीक है उसे क्या बोलते हैं हम जो दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। आई बस समझी देखिए You have read earlier that Himalayas river bring with them large quantity of aluminium. आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है हिमालय से जो रिवर्स निकलती है वो क्या करती है वह नदियां जो कि प्रचुर मात्रा में अल्यूमिनियम यानी जलोढ़ मिट्टी लेके आती है। I was told me this is deposit on the river bank. और क्या होता है ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह किनारे किनारे पर क्या हो जाती है इकट्ठा हो जाती है जमा हो जाती है। जैसे क्या होता है कि जब बाढ़ आती है फ्लड आता है तो फ्लड आने के साथ साथ क्या होता है उस समय पानी जो होता है नदी का क्या रहता है गंदा रहता है। अब जैसे जैसे पानी मंद होता है और उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं जो मतलब कि गंदे पार्टिकल रहते हैं धूमी पानी रहता है तो वो पार्टिकल धीरे धीरे जमा होते हैं। जब नदी क्या होता है जब मतलब कई दिन तक ये नदी एक स्थान पर रह जाती है तो मतलब पानी क्या होता है शांत होता है तो क्या होता है स्वच्छ हो जाता है जितने जितने पार्टिकल्स होते हैं वही क्या होता है जम जाते हैं ठीक है। तो वही जब नदी घटती है तो क्या होता है वह है दोमट मिट्टी कहलाती है। आई वाज सेइंग में दिस एलुवियल सॉइल इज फर्टाइल और ये जो एलुवियल सॉइल है जलोढ़ मिट्टी है दोमट मिट्टी है ये क्या होती है बहुत उपजाऊ होती है फसल किसानों की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें जो भी कुछ हम बोते हैं वह क्या होता है उसकी पैदावार अच्छी होती है। आई वाज सेइंग में देखिए आगे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश पार्ट ऑफ बिहार मध्य प्रदेश चंडीगढ़ असम एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है एलुवियल सॉइल। ये जो जितने राज्य के बारे में मैंने बताया ये क्या है इसमें एलुवियल सॉइल पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इन द डेकन प्लेट्यूज डेकन प्लेट्यूज में एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द डेल्टास फॉर्म बाई रिवर्स और रिटेन क्या है डेकन प्लेट्यू में एलुवियल सॉइल है जो जलोढ़ मिट्टी है वह क्या होती है डेल्टा के रूप में जो नदियाँ डेल्टा बनाती है वहाँ पर पाई जाती है ठीक है उसके रूप में बात पाई जाती है डेल्टा निर्माण करती है तो हमें वहाँ पर क्या होता है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आई वाज समिंग देखिए आगे अ लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप सच एज राइस वीट सुगर केन पल्सेस जूट एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। क्या होता है बहुत अधिक संख्या में जो फसलें होती हैं जैसे क्या क्या आपके है चावल है गेहूँ है गन्ना है दाल है जूट है ठीक है सब्जियाँ क्या होती है इस प्रकार की सॉइल में बहुत अच्छी इनकी उपज होती है। इसलिए क्या होता है इन तमाम फसलों के लिए यह मिट्टी जो होती है यह है एक वरदान साबित होती है। आई बस समझे यू कैन सी इन दिस फिगर परफेक्टली ओके अब देखते हैं हम क्या वी विल सी यू विल स्टडी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है देखिए सी पेज नंबर 60 ब्लैक सॉइल द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज हैज ब्लैक सॉइल जो उत्तरी पश्चिमी जो हिस्सा है इसका डेक्कन प्लेट्यू का इसमें क्या है काली मिट्टी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल मतलब क्या होता है काली मिट्टी। This soil is formed from the rocks wet by lava.
और ये सॉयल का रूप कैसे किसने किसका कैसे इसका निर्माण होता है। देखिए इसका निर्माण क्या होता है, जब द सॉयल इज फॉर्म फ्रॉम द रॉक्स मेड बाय लावा। ये सॉयल क्या होती है, चट्टानों से बनती है। जब क्या होता है, ज्वालामुखी धधकती है, ज्वालामुखी फटती है, तो उस लावा से क्या बनता है, इस सॉयल का निर्माण होता है। क्योंकि भाई देखिए ब्लेम क्यों होगा, क्योंकि जब चीज कोई चीज जलेगा तभी ब्लेम होगा ना, तो यही कारण है यहाँ पर। इट इज गुड फॉर ग्रोविंग कॉटन एंड शुगर कैन। और ये क्या होता है, बहुत अच्छी होती है किसके लिए, कौन से फसल के लिए, यह शुगर कैन मतलब था गन्ना, ठीक है, जिसको बोलते हैं ईख बोलते हैं, और कॉटन के लिए गन्ना, और ये कॉटन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत ही उपजा बहुत ही वरदान साबित होती है। मतलब इस सॉयल में क्या होता है, इस काली मिट्टी में क्या होता है कि गन्ने की फसल और कॉटन की फसल बहुत अच्छी होती है। आई पास हमने यू कैन सी द फिगर ऑफ ब्लैक सॉयल क्लियरली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज यू नो दैट यू कैन सी इन योर बुक बट ऑल्सो यू कैन सी हियर। ओके अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, नाउ वी स्टडी रेड सॉयल। रेड सॉयल देखिए, रेड सॉयल क्या होता है, द रेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज हैज रेड सॉयल। यू कैन सी इन पेज नंबर 61 रेड सॉयल वेरी वेल। द रेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज हैज रेड सॉयल, यानी जो शेष भाग होता है डेक्कन प्लेट्यू का है उसमें क्या है, रेड सॉयल यानी लाल मिट्टी पाई जाती है। I was only the red soil is formed due to weathering of Asian crystalline and metamorphic rocks. क्या होता है जो red soil कैसी होती है, इससे इसका नाम होता है due to weathering of Asian crystalline, यानी प्राचीन क्रिस्टल अपक्षय और मेटामॉर्फिक लॉस के कारण ये इसका निर्माण होता है। आई बस सुन में द रेड सॉइल द रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। रेड कलर के किस तरह होता है, क्यों होता है, ये आयरन के उपस्थिति का कारण क्या होता है, रेड सॉइल मिलती है बनती है। ठीक है, दिस सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग ज्वार बाजरा पल्सेस एंड ग्राउंडनट। जो लाल मिट्टी होती है यह कह सकते हैं कि ज्वार है, ज्वार बाजरा और दाल के लिए, ज्वार बाजरा दाल और ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब क्या होता है, मूंगफली होती है, उनके लिए बहुत ही ये वरदान साबित होती है। क्योंकि इस ये सब सारी फसलें जो होती है बहुत अच्छी होती है इस तरह की मिट्टी में। आई बस सुन में अब देखते हैं माउंटेन सॉयल। वी विल सी माउंटेन सॉयल। माउंटेन सॉयल क्या है, इन द माउंटेन्स द सॉयल इज वेरी कोर्स। जो माउंटेन यानी पर्वतों में जो मिट्टी क्या होती है, बहुत मोटी बहुत खुरदला है, बहुत ही कड़ी बहुत पथरीली होती है। इट कंटेन्स ग्रेवल एंड पीस ऑफ स्टोन। और क्या रखती है, ये कंकड़ और कुछ पत्थरों के टुकड़े रखती है अपने अंदर। इट इज मोस्टली ब्राउन रेड एंड येलो कलर। यह अधिकांश किस रंग में होती है, ब्राउन कलर की होती है, लाल कलर की होती है और पीली कलर की। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर ऑर्चर्ड वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन। ये सॉइल क्या होती है, जो माउंटेन वाली सॉइल क्या होती है, पर्वतीय मिट्टी क्या होती है, ये है ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है, फलों का बगीचा, फलों की बगीचे के लिए क्या होती है, बागवान के लिए जहाँ से फल फ्रूट उगते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होती है। यू कैन सी हियर फ्रूट ऑर्चर्ड इन द माउंटेन्स। ओके, तो वहाँ पर ये सारे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वह बहुत ही उपजाऊ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। देखिए डेजर्ट सॉयल यानी रेगिस्तानी मिट्टी जिसको कहते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी बोलते हैं, रेगिस्तानी मतलब कह सकते हैं आपकी जो सैंड सॉयल है, जो उसमें रेत वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेजर्ट सॉयल में क्या है, द सॉयल इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान
इस सैंडी जो राजस्थान का एरिया होता है वहाँ की मिट्टी क्या होती है, रेत वाली होती है। इट इज गुड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स लाइक वीट ग्राम डेढ़। और क्या होता है, यह फसल उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे क्या है आपके गेहूँ है, चना है और डेढ़। ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू लेटरी सॉयल एंड सॉयल इरिजन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Thank you.